गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार गुप्ता ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर चंद्रा इंस्ट्रूमेंट में मैं आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, नंबर सीरीज का पार्ट थ्री पे डिस्कस करना है। मैंने नंबर सीरीज का पार्ट वन और पार्ट टू आपको बता दिया है, और जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि डिफरेंस सीरीज क्या होता है, ये मैंने बता दिया है। इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स बता दिया है। दूसरा जो है मैजिक सीरीज, इस पर मैंने कुछ वीडियो दिया हुआ था, कुछ क्वेश्चंस कराए थे। तीसरा जो टॉपिक बचता है वो अल्टरनेट सीरीज। अल्टरनेट सीरीज क्या होता है इसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं। स्टूडेंट्स, अल्टरनेट सीरीज का मतलब क्या होता है आप देखो। जैसे मान लो मैं एक लिखा, दो लिखा और तीन लिखा, ठीक है। तो हमने अभी इससे पहले जो भी हम क्वेश्चन कर रहे थे वो हम दो लगातार आने वाली संख्याओं के बीच डिफरेंस लेते थे या उसके बीच हम रिलेशनशिप ड्राइव करते थे। लेकिन अब जो सीरीज हम पढ़ने जा रहे हैं, अल्टरनेट सीरीज मतलब दो को छोड़ देना है और तीन पर ध्यान देना है। तो ये बिल्कुल एक प्रोटोटाइप दे रहा हूँ, मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। तो देखो, एक और तीन के बीच कितने का अंतर है, दो का। फिर दो का तीन से संबंध नहीं देखेंगे, दो में भी दो का अंतर होगा, चार होगा। अगर मैं पूछूं यहां क्या भरा जाएगा, तो आपको बताना होगा तीन के बाद दो का डिफरेंस होगा, यहां क्या भरा जाएगा। तो एक, दो, तीन, चार, पांच हो गया। इस टाइप के सीरीज को अल्टरनेट सीरीज बोलते हैं। अब ये हो सकता है, देखिए अल्टरनेट जरूरी नहीं है कि एक छोड़ करके ही काउंट होगा। वन, थ्री, फाइव, सेवन दे दिया। अब ये भी हो सकता है कि ये दो को मैं इलिमिनेट करके एक का संबंध किससे दूं, सेवन से दूं, तो कितने का डिफरेंस है, प्लस सिक्स का है। अब मैं आपसे अगला टर्म पूछूं तो क्या होगा, तीन में हम छः जोड़ेंगे और क्या आएगा, नौ आएगा। पाँच में हम छः जोड़ेंगे, ग्यारह आएगा, और उसी प्रकार सात में हम छः जोड़ेंगे, तेरह आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि अल्टरनेट मीन्स ये नहीं होता कि एक का गैप, दो का भी गैप हो सकता है, तीन का भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट, तो आइए इस टाइप पर जो है कुछ न्यूमेरिकल आपको बिल्कुल जो है आपको पैटर्न सिखाने जा रहा हूँ। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखो बच्चों, अब ऐसा नहीं मान लेना है कि ऐसा ही प्रॉब्लम आएगा। मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए दिया है कि आपको पैटर्न जो है आपके एग्जाम में क्या हो सकते हैं। हो सकता है ये डिजिट चेंज हो जाए, और कठिन और आसान कैसे बनता है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप देखो, 25 के बाद 42 लिखा हुआ है, 42 के बाद 27, 44, 29 लिखा हुआ है। बच्चों, यदि डिफरेंस निकालोगे तो ये नहीं आएगा। तो इसमें क्या करेंगे कि हम पहले आपको एक प्रोटोटाइप देना चाहते हैं कि हम 25 का 42 से नहीं, 25 को यदि हम इसको एलिमिनेट करके यहां देखते हैं तो प्लस टू का गैप है। पुनः एक छोड़ करके मैं देखता हूं तो 27 में 29 देखते हैं तो प्लस टू का गैप है। 42 में हम एक छोड़कर देखते हैं तो प्लस टू का गैप है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको यहां जो फिल करना है वो 44 में प्लस टू जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये जो है आप सिर्फ एक प्रोटोटाइप समझ रहे हो कि हमारे एग्जाम्स में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जो अल्टरनेट सीरीज पर बेस होते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया। अब देखो, ध्यान देना दूसरे क्वेश्चन पे, ये भी अल्टरनेट पे ही बेस है। 7, 9, 11, 10, 12 एंड 14। बच्चों, ऐसा नहीं है कि 7 का डिफरेंस 9 देखा, 9 का डिफरेंस 11 देखा। मान लो ये 2 का डिफरेंस है, यहां भी 2 का डिफरेंस, तो क्या है यहां 2 का डिफरेंस आया, नहीं आया, तो डिफरेंस तो है ही नहीं। चलो एक छोड़ कर देख लेते हैं, 9 को छोड़ दिया तो 7 से 11 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 4 का है। तो क्या 11 और 12 के बीच में 4 आया, नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि हम अल्टरनेट एक को छोड़ करके ही नहीं बोलते। देखो, 9 और 11 को यदि मैं छोड़ता हूं तो 7 के बाद देखो डिफरेंस है 10 का, कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। 9 का फिर 2 को छोड़कर देखा तो 9 के बाद 12 आया हुआ है, कितने का डिफरेंस है,
तीन का डिफरेंस है। उसी प्रकार 11 का 3 में जोड़ेंगे तो 14 आ गया, और यहाँ भरना है तो इससे दो स्टेप पीछे आ जाइए, 1 और 2। 10 में हम 3 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 13, और ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है आपको समझा दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहां देखना बच्चों, 71, 76, 69, 74, 67, 72 डिफरेंस लगाओगे तो नहीं आएगा, अल्टरनेट लगाना है, वही एक छोड़ करके लगाना है। 71 के बाद 69 कितने का डिफरेंस है, -2 का। अभी तक मैं बताया कि +2 या +3 जोड़ना था, अब जो है डिफरेंस का मतलब ये होता है कि माइनस सीरीज भी यूज हो सकता है। तो 71 के बाद -2 करते हैं क्या आता है, 69। 76 के बाद -2 करते हैं 74 आता है, और 69 के बाद -2 करते हैं 67 आता है, 74 से फिर -2 करते हैं 72 आता है। यहाँ फिल करना है तो 67 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा, और हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके देख लीजिए ध्यान से, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको सिर्फ पैटर्न पे ध्यान देना होगा। अब यहां जो है देखो बच्चों, 4 है, 4 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, 67 दिया हुआ है, 128, 219, और यहां आपको भरना है। अल्टरनेट नहीं है ये, 4 और 30 के बीच में गैप देखो कितने का आ रहा है, 26 का है। क्या 11, 67 के बीच में 26 आएगा, नहीं आया, तो अल्टरनेट नहीं है। ठीक है, हम 4 और 67 के बीच में देख लेते हैं कितने का अंतर है, 63 का है। तो 11 और 128 के बीच में क्या 63 आ रहा है, नहीं आ रहा है, अल्टरनेट नहीं है बच्चों, अल्टरनेट नहीं है। डिफरेंस चेक कर लेते हैं, 7 का अंतर है, कितने का अंतर, 19 का अंतर है। ठीक है, इसके भी देख लेते हैं, 37 का अंतर है। देखो क्या डबल डिफरेंस लेकर के देख लेते हैं, आ रहा है 19 में से 7 घटा दो, 12 हो गया। यहाँ देखो 19, 12, 9, 2, 17 में से 8, 18 का हो गया। तो ये जो है अभी डबल डिफरेंस से भी नहीं आ रहा है बच्चों, इसको हटा देते हैं। अब सोचेंगे क्या मैजिक बचा, मैजिक सीरीज जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि लगाओ स्क्वायर क्यूब लगाओ बच्चों। देखो यहाँ क्या लगाया गया है, 1 का क्यूब प्लस 3 मैजिक, एक्स का क्यूब प्लस, मैं एन के फॉर्म में आपको बताया था मैजिक बनता है, एक्स को बैरी करा रहा हूँ मैं, एक वन एक्स के प्लेस पे 1 है, अब यहाँ 2 का क्यूब प्लस 3 ले रहा हूँ, x1 हो जाएगा, x2 का होल क्यूब प्लस n को मैं कांस्टेंट रख रहा हूँ, 3 का होल क्यूब प्लस 3 x3 का होल क्यूब प्लस n, ये सीरीज जो है चलेगा। ओके तो आप बता सकते हो आसानी से, यहाँ 1, 2, 3, यहाँ 4 का क्यूब प्लस 3, यहाँ 5 का क्यूब प्लस 3, तो यहाँ 6 का क्यूब प्लस 3, तो यहाँ 7 का क्यूब प्लस 3, 7 का क्यूब 343 होता है, और 3 जोड़ेंगे 300 कितना आ गया, 46 हो गया, और 346 कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है सीरीज के क्वेश्चन, और ये हर एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। ओके तो आराम आराम से इसको हम पढ़ेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 को बच्चों आराम से आप देख लो, इसका खुद ट्राई करो आप कि ये जो क्वेश्चन है कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, थोड़ा टाइम देते हैं आपको।
देखो बिल्कुल यहां मैंने समझाया भी है, 10 है, 43 है, 163 है, ओके, 10 है, 43 है, 163 है, 478 है। मैंने आपको आपकी सुविधा के लिए मैं ये पैटर्न लिख भी दिया है ताकि आपको सीखने में कोई प्रॉब्लम न हो। हो सकता है मैं तेज बता दूं तो आपको ये पैटर्न जो है, इसलिए मैं क्वेश्चन के साथ पैटर्न भी दे देता हूं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आपको मैं बता दूं कि 10 कैसे ला सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो यहां पर ये जो पैटर्न लगाया गया है वो मैजिक लगाया गया है। कौन सा लगाया गया है? मैजिक, और मैजिक का पैटर्न है स्क्वायर माइनस एन, एक्स का स्क्वायर माइनस एन पैटर्न है। एक्स को वेरी करेंगे और एन को मैं कांस्टेंट करूंगा, एक्स को बदलते रहेंगे और एन को कांस्टेंट करेंगे तो बच्चों आ जाते हैं यहां 10 जो है 4 का स्क्वायर माइनस 6 ला सकते हैं। 16 माइनस 6 कितना आ गया? 10। यहां पर हम देखेंगे यहां पर 43 कैसे लाएंगे, तो 7 का स्क्वायर माइनस 6, 49 माइनस 6 43 होता है। देखो 4 और 7 के बीच में कितने का गैप है? 3 का। ये 163 कब आएगा? जब 13 का स्क्वायर माइनस कितना कर देंगे? 6। 169 माइनस 6 163 हो गया। अब 7 और 13 के बीच में कितने का गैप है? 6 का। इसका मतलब यहाँ कितने का गैप है? 3 का। तो यहाँ भी 3 का गैप होना चाहिए, मतलब यहाँ 16 होना चाहिए, यहाँ 9 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए बच्चों। देखो क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जब यहाँ 9 होगा, पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ और आपको समझाते हैं अच्छे से। यहाँ पर जो है बड़े में मैं आपको समझा दूँ, 10 है, 43 है, 163 है, 478 है, 478 है। अब आपको समझाते हैं 4 का स्क्वायर माइनस 6, ठीक, 7 का स्क्वायर माइनस 6, 13 का स्क्वायर माइनस 6। और देखो यहाँ गैप देखना, 4 के बाद गैप है कितने का? 3 का। यहाँ पर 6 का, यहाँ पर कितने का गैप होगा? 9 का। तो यहाँ 22 का स्क्वायर माइनस 6 कितना? 478। क्यों? 484 में से 6 घटाएंगे 22 का स्क्वायर करके, तो ये आ जाएगा 478 आ जाएगा। अब जाहिर सी बात है हमें यहाँ 12 का डिफरेंस मिलना चाहिए, और 12 और 22 कितना होता है? 34 होता है। और 34 का स्क्वायर माइनस 6 करेंगे, 34 का स्क्वायर माइनस 6 करेंगे तो 34 का स्क्वायर होता है 16, चढ़ते हैं 12, दूना 24, 1 25, तितली के 9 और 2 1156 हो गया, और इसमें से 6 घटाएंगे 1150 हो गया, और हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके बच्चों, ये रहा जो है सीरीज के 5 प्रॉब्लम। नेक्स्ट वीडियो जरूर तुरंत मैं आपको अगले स्टेप में लाऊंगा, उस पर भी कुछ अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, अभी आपको पैटर्न सिखा रहा हूं। आइए कुछ आपको जो है बेसिक टूल्स बताते हैं स्क्वायर करने का, कि कैसे आप जल्दी स्क्वायर करोगे। याद रखना बच्चों, स्क्वायर करने के कोई भी डिजिट हो, पहले आपको 2 डिजिट सिखाएंगे, 2 डिजिट का स्क्वायर। ओके चलिए मान लेते हैं 23 का स्क्वायर करना है, 23 का स्क्वायर करना है। आप देखना इसको, तुम दो संख्याएं मानो, 2 मानो और क्या मानो? 3 मानो। पहले स्टेप में 3 का स्क्वायर करके लिखो कितना होता है? 9। शेषफल बचा? कुछ नहीं बचा। और दोनों का आपस में गुणा करो आप, 3 दूना कितना हो गया? 6 हो गया। और जैसे ही गुणा करके जो भी आता है उसका डबल कर देना है, डबल का मतलब 2 का अपने आप क्या कर देना है? मल्टीप्लाई करना है, और ये हमारा आ जाएगा कितना? 12। 12 उठाकर नहीं रखेंगे, पहले डिजिट को रखेंगे, 2 लिखेंगे, और 1 हमारा क्या बच जाएगा? शेषफल बच जाएगा। अब सेकेंड स्टेप में वही जो पहला स्टेप में किया है मैंने, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और 4 और 1 कितना हो गया? 5। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। 3 स्टेप में ये एग्जांपल जो है सॉल्व हो सकता है। मान लीजिए
एक और एग्जांपल समझाते हैं, 56 है, तुरंत मैंने क्या किया, 6 का स्क्वायर किया, 36 हो गया, 3 बच गया, दोनों का गुणा किया, 6 5 30 और दूना 60 और 3 63 हो गया, 6 बच गया, और 5 5 25 और 6 हो गया, देख लो 82 का ले लो, तुरंत लिखें 2 दूना 4, 8 दूना 16 दूना 32, हाथ में लगा 3, 8 टाइम 64 और 3 67, इतना ही जो है टाइम लगता है। आशा करता हूं आप कोई भी संख्या का आप स्क्वायर निकालोगे, जैसे 2 का निकाल रहे हो वैसे आप जो है 3 का भी निकाल लोगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। धन्यवाद।